नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके टेक फ्रेंड में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं मुख्य टेक अपडेट के साथ। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला अपडेट निकल के आता है रियलमी को लेकर। रियलमी वॉच एस सीरीज स्मार्ट वॉच आज यानी 23 दिसंबर को भारत में लॉन्च हो गई है। रियलमी एस सीरीज में रियलमी वॉच एस और रियलमी एस प्रो शामिल होने की उम्मीद है। रियलमी वॉच एस में 1.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जिसकी अधिकतम ब्राइटनेस 600 निट्स है। स्मार्ट वॉच में रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए PPG सेंसर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग के लिए SpO2 सेंसर दिया गया है। इस वॉच में 390 mAh की बैटरी दी गई है। अगला अपडेट निकल के आता है टेक्नो को लेकर। टेक्नो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 6 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फ़ोन की कीमत 8,699 रुपये पेश किया गया है। ये फ़ोन वाटर ड्रॉप नोच रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आता है। फ़ोन की पहली सेल फ्लिपकार्ट पर 25 दिसंबर को 12 बजे रखी जाएगी। इसके अलावा इसमें MediaTek Helio A25 प्रोसेसर है जिसमें रियर कैमरा 13 MP का और फ्रंट कैमरा 8 MP का है। अगला अपडेट निकल के आता है MI को लेकर। MI ने 10i पिछले महीने ही चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 9 Pro रीब्रांड मॉडल हो सकता है। अगर ऐसा होना था तो MI 10i में 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले हो सकता है। इसके अलावा 650G प्रोसेसर मिल सकता है और 108 MP का मुख्य सेंसर के अलावा कवर्ड कैमरा सेटअप के साथ 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP मैक्रो लेंस और 2 MP गहराई सेंसर शामिल होने की उम्मीद है। फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फ़ोन में 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के लिए 4820 mAh की बैटरी दी जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।